बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेरो किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी का बड़ा ही मज़ेदार नाश्ता, बच्चे भी बड़े ही शौक से खाएंगे। चलिए हम बनाते हैं। ये हमने सूजी को 3 कप लिए थे और उसमें थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डाल के राई और कड़ी के पत्ता डाल के 2 मिनट तक खाली हमें पकाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमने सूजी अच्छे से ठंडी हो गई हमारी। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच दही डालेंगे। आप चाहे तो इसमें छाछ भी आप डाल सकते हैं, दही से स्वाद भी अच्छा आता हैगा। और हमने इसे अच्छे से मिला लेना है। अब हमें सब सब्जियों को चॉप कर लेनी है बारीक। ये हरी प्याज है और ये सादी प्याज और शिमला मिर्च, जिन्हें जिन्हें हमने टमाटर काट के रखे हैंगे। शिमला मिर्च और पत्ता गोभी को हम बारीक चॉप कर लेंगे ताकि हमारा बेटर और भी अच्छा बन जाए। आप चाहे तो इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं। जो बच्चे अपने सब्जी खाने से भागते हैं ना, तो इसमें नाश्ते में हम ऐसा बना के देंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा और बच्चे सब्जी भी खा सकेंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें ये बेटर को अच्छे से मिलाना है ताकि हमारा बेटर ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा जाड़ा भी ना रहे। थोड़ा थोड़ा ये देखिए हमने बारीक कद्दूकस कर लिए हैंगे। शिमला मिर्ची और पत्ता गोभी को इसे भी हम डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से हम मिला लेंगे। ये देखिए आराम आराम से हमें मिलाना है। और इसी में हम काली मिर्ची कुटी हुई, ब्लैक पेपर डालेंगे और कुटी हुई लाल मिर्ची डालेंगे। इससे भी स्वाद हमारा अच्छे से बढ़ जाएगा। और आप अपने हिसाब से लाल का मिर्ची ले सकते हैंगे। उसी में हम थोड़ा सा 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे। और इसी में हम कोथमीर और पुदीना भी कटा हुआ डाल देंगे ताकि इसका स्वाद और अच्छे से बढ़ जाए हमारे नाश्ते का। और इसे अच्छे से हमें मिला लेना है, ज़्यादा थिक नहीं रखना, ज़्यादा पतला भी नहीं करना। देखो इस तरीके से, ये देखिए कितने अच्छे से हमारा बेटर तैयार हो गया हैगा। और बारीक कटी हुई सब्जियाँ रहती है ना, तो अच्छे से मिल जाता। और ये 1 चुटकी हम खाने का सोडा डालेंगे, जब हमें बेटर तलना हो उसी टाइम पे हम डालेंगे। ये एक पेन हमारा ये देखिए गरम हो गया है। इसमें हम हल्का हल्का तेल लगाएंगे और ये कम तेल में और बहुत ही मजे का नाश्ता बनता हैगा। ये देखिए जितना आपको बड़ा बनाना हो, जितना आपको छोटा बनाना उस मुताबिक आप इसमें बेटर डाल के और मीडियम आंच पे बनाना है। एक साइड से अच्छे से पक जावे और पलटने में भी हमें आसानी होगी जब ये धीमी आंच में और अच्छे से पक जाएगा तो। ये देखिए हल्का हल्का तेल डालने का, ज़्यादा तेल नहीं डालना है। और हल्के हाथों से हमें इसे चेक करके फिर पलटना है। यहाँ ये साइड से अच्छे से लाल हो गया हैगा। ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही स्वाद का बनता हैगा और हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है, डाइट के लिए भी बहुत ही अच्छा नाश्ता है। ये हमारा सूजी का उत्तप्पा बन के तैयार है और अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम अब दूसरा बनाएंगे। ये बहुत ही झटपट बनने वाला नाश्ता है और बहुत ही मजे का बनता है। बच्चे और बड़े सभी शौक से खाते हैं। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें अपने घर में बना के। ये देखिए हमारा ये एक साइड से पूरा उत्तपा बन के तैयार है क्योंकि इसकी धारी लाल हो गई है। अब इसे हल्के हाथ से हमें पलटना है ताकि ये टूटे ना। ये देखिए आराम आराम से हमें पलटना है। ये बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनता है। अब इसे हम दूसरी तरफ भी हमें इसे अच्छे से पका लेना है। ये देखिए हमें दूसरी तरफ भी इसी तरीके से चम्मच की मदद से गोल गोल घुमा के इसे अच्छे से पका लेना है। हमारा बन के उत्तपा देखो रेडी हो गया है। अब चलिए इसे हम सर्व करते हैं। ये देखिए बनके हमारा उत्तप्पा सूजी का तैयार हो गया हैगा। इसे सेजवान चटनी के साथ या सॉस के साथ, आप जो भी चटनी के साथ मज़े से खा सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए सेरो किचन को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।